गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रायिकता। और प्रायिकता की तीन एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13D। और 13D एक्सरसाइज पढ़ने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो बना दी, जिसमें मैंने बताया था रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, तो वो आप लोग जरूर देख करके आइए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग YouTube पर सर्च कीजिए प्रायिकता बंटन बाई डीके सर, आगे आप लोग लगा दीजिए बाई डीके सर, प्रायिकता बंटन बाई डी के सर, या आप लोग लगा दीजिए रैंडम वेरिएबल बाई डी के सर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। या आप लोग इसी में, हम पिछले लेक्चर में ही बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई डी के सर, तो उसको लगा दीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, हम लोग प्रश्नावली 13D का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, हमने कुछ ही पार्ट यहां पर लिखा है। तो इसमें बताना है निम्नलिखित प्रायिकता बंटन, ये हमें प्रायिकता बंटन दिया गया है, इसी तरीके से लिखा जाता है प्रायिकता बंटन, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। प्रायिकता बंटनों में से कौन संभव है, कौन संभव है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा संभव है और कौन सा संभव नहीं है। तो अगर इसको देखिए, मैंने प्रायिकता बंटन में दो चीजें बताया था, दो चीजें बताया था, क्या क्या चीजें। नंबर एक, समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू वन होता है। और दूसरी चीज, पी एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो इज लेस आर इक्वल टू, जीरो इज लेस आर इक्वल टू पी एक्स इज लेस आर इक्वल टू वन, ये होता है। मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है, पी एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है, मतलब पी एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और इनका सब का सम कितना होता है, वन। तो ऊपर यक्स की वैल्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऊपर यक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वन से बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन पी की वैल्यू, पी यक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही होनी चाहिए और कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और अगर उनका सम किया जाए तो क्या आना चाहिए, वन। अब आप लोग देखिए, यहां पर नीचे नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है, और सब के सब जीरो और वन के बीच में, वन से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए, इनका सम, सबका सम के लिए क्या वन आ जाएगा, तो अगर इसका सबका सम किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वन और थ्री फोर, वन फाइव, फाइव और टू, फाइव और टू सेवन, सेवन और थ्री हो जाएगा वन, बिल्कुल थ्री वन फोर वन फाइव, फाइव और ये फाइव, फाइव और फाइव टेन आ जाएगा, मतलब ये वाला संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि तो सबका सम वन आ रहा है और सबकी सब वैल्यू क्या है, जीरो और वन के बीच में है। ओके, ये वाला थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव आ जाने के कारण, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई इसके कारण ये क्या है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो प्रायिकता की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहां पर अगर इसको देखिए तो क्या है, 0.4 0.4 0.2, मतलब सबके सब जीरो और वन के बीच में है, वन से छोटी है। और अगर इनका सम कीजिए तो वन आना चाहिए, फोर फोर एट टू टेन, बिल्कुल इनका सबका सम करेंगे तो वन आ जाएगा, मतलब ये संभव है, ये संभव है। ओके, ये वाला देखिए, यहां पर अगर आप लोग देखिए तो सबके सब वन से छोटे हैं, जीरो और वन के बीच में है, लेकिन इनका सम कीजिए सिक्स और वन, सेवन सेवन और टू नाइन, मतलब ये इनका सम वन नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। इस तरीके के कई सारे पार्ट हैं और आपको यही चीज चेक करना है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ओके, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर टू है, मान लीजिए यक्ष चितों की संख्या मतलब हेड और पटों की संख्या मतलब टेल की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, तो ध्यान समझना है, यक्ष क्या है, यक्ष चितों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर, बहुत ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अंतर को व्यक्त करता है, मींस नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल के डिफरेंस को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को छह बार
जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है कि यक्ष के संभावित मूल्य क्या होंगे, मतलब यक्ष के संभावित मान क्या क्या होंगे, ये चीज समझना है। यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान समझना है, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स और यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ हेड और नंबर नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल, इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। यक्ष हमारा क्या है, यक्ष है हमारा नंबर ऑफ हेड्स माइनस, या माइनस करिए या डिफरेंस लगा दीजिए, डिफरेंस का मतलब है जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस हो जाएगा, यही हमें डिफरेंस चाहिए। इसमें जिसको माइनस करें या इसमें जिसको माइनस करें इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये चीज समझना है। नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, यही कह रहा है चितों की संख्या और पटों की संख्या के अंतर को व्यक्त कर रहा है क्या यक्ष। ओके, 6 बार एक सिक्के को उछाला गया है, एक सिक्के को 6 बार उछाला गया है। और जब सिक्के को सोचिए जरा सा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर सिक्के को 6 बार उछाला गया तो मान लीजिए कि पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार, छठी बार, हर बार हेड आ गया, हर बार हेड आ गया, मतलब हेड टोटल कितने हो गए, 6 हेड हो गए, 6 हेड हुए। और जब 6 हेड हुए, नंबर ऑफ हेड है 6, अब इसका डिफरेंस, तो अगर 6 के 6 ही बार उछाला गया, 6 के 6 बार क्या है हेड आया, तो नंबर ऑफ टेल क्या होगा, 0 होगा, मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए कि नंबर ऑफ हेड जो आया वो 5 बार आया, मतलब किसी एक बार टेल आ गया, 6 में से 5 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि 4 बार हेड आ गया, और 4 बार अगर हेड आ गया, अगर हमने 6 बार उछाला 4 बार हेड आया तो 2 बार टेल आया होगा, 2 बार टेल आ जाएगा, मतलब ये 2 हो गया। मान लीजिए कि 3 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आया तो 3 बार क्या होगा, 3 बार हेड तो 3 बार क्या आएगा, टेल आएगा, 3 बार टेल आ जाएगा भाई, और ये आ जाएगा 0। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 ही बार हेड आया, 2 बार हेड आएगा तो 4 बार क्या होगा, टेल आएगा, और इसका दोनों का डिफरेंस करना है हमें, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 2 बार हेड ना आकर के 1 ही बार हेड आया, और जब 1 ही बार हेड आएगा तो 5 बार टेल आ जाएगा, 5 बार टेल आ जाएगा, तब तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 4। और यहां पर अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन आ गई, 6 के 6 बार टेल आ गया, हेड आया ही नहीं, हेड आया ही नहीं, नंबर ऑफ हेड 0 हो गया, डिफरेंस कितने टेल आ गए, 6 आ गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो x की वैल्यू 6 4 6 4 2 0 2 4 6, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो x की वैल्यू, हमें x का मूल्य पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, 4 आ रही है, 2 आ रही है और 0 आ रही है, यही वैल्यू आ रही है x की, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही। ओके, ये तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे सेकंड में एक पार्ट और है, उसको आप लोग खुद से लगा सकते हो। थर्ड पार्ट, एक कलश में, एक कलश है और इस कलश में 5 लाल गेंदे, 5 रेड बॉल है और 2 काली गेंदे, 2 ब्लैक बॉल। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदे हैं, 2 गेंद यदृच्छा निकाली गई, 2 गेंद निकाली गई है, 2 गेंद निकाली गई, मान लीजिए यक्ष काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, यक्ष के संभावित मान क्या होंगे, यक्ष के संभावित मान क्या होंगे, यक्ष है क्या, ब्लैक गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या है, यक्ष क्या है, काली गेंदों की संख्या है। अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 2 गेंदों को निकाला गया तो क्या क्या हो सकता है, दोनों रेड रेड हो सकते हैं, कि दोनों रेड आ जाए, भाई कंडीशन है कुछ भी हो सकती है, दोनों रेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लैक ब्लैक आ जाए, या पहला रेड दूसरा ब्लैक हो जाए, या पहला ब्लैक दूसरा रेड हो जाए, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी, यही इतनी कंडीशन होगी। ओके, अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यक्ष क्या है, यक्ष है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, क्या हो सकता है,
आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो ब्लैक बॉल दो ही गेंदें निकाली जा रही है, निकाली गई एक भी ब्लैक नहीं आई, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, निकाली गई एक ब्लैक गेंद आ गई, या ये हो सकता है कि निकाला गया दोनों ब्लैक गेंदें आ गई। मतलब या तो एक भी ब्लैक बॉल ना आए, मतलब नंबर आप रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या आ गए, जीरो आ गए, या एक ब्लैक बॉल आ गया तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, या दोनों ब्लैक आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल एक्स या यादृच्छिक चर एक्स की वैल्यू जीरो वन टू, यही इतनी पॉसिबल कंडीशन है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर, हम लोग देखते हैं एक पासे को दो बार उछालने पर छह प्राप्त करने की संख्या यक्ष का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है नंबर वन। दूसरी चीज, यक्ष है क्या, यक्ष है छह प्राप्त करने की संख्या को यक्ष डिनोट किया जा रहा है, पासे को कितनी बार उछाला गया है, दो बार उछाला गया है। अब सोचिए एक पासे में जब एक बार उछालते हैं कितनी कितना आता है, टोटल छह कंडीशन होती है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी। और अगर पासे को दो बार उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, छह का स्क्वायर मतलब 36। ओके, ये हो जाएगा 36 टोटल हो जाएगा। और 36 में से यक्ष आने की, यक्ष क्या है, छह प्राप्त करने की, तो छह कब कब प्राप्त होगा ये हम लोग देख लेते हैं कि छह कब कब किन किन कंडीशन में छह प्राप्त हो सकता है, छह क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए 6-1 हो गया हमारा, आ गया पहली बार उछाला 6 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है 1-6 आ जाए, 2-6 आ जाए, 3-6 आ जाए, 4-6 आ जाए, 5-6 आ जाए, और यहां तो ये 6-6 है ही, तो हम 6-6 नहीं लिखेंगे। टोटल अगर देखें तो टोटल कितना है, 11 है, टोटल 11 है। अब हम लोग प्रायिकता बंटन देख लेते हैं। प्रायिकता बंटन में हम लोग जानते हैं P लिखते हैं और X लिखते हैं, P और X ये चीज लिखते हैं। अब X क्या क्या है, यक्ष है क्या, यक्ष है छह आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहली बार क्या क्या हो सकता है कंडीशन, पहली बार उछाला गया क्या आया, एक भी छह नहीं आए, मतलब क्या था कंडीशन, दो बार उछाला गया एक भी बार सिक्स नहीं आया, या एक बार सिक्स आया, या दो बार सिक्स आ गया, दोनों बार सिक्स आ गया, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। दो बार पासे को उछाला गया, एक भी बार सिक्स नहीं आया, मतलब यक्ष की वैल्यू जीरो। एक बार सिक्स आ गया तो यक्ष की वैल्यू वन। दो बार उछाला गया, दोनों बार सिक्स आ गया, मतलब यक्ष की वैल्यू टू। ओके, अब जीरो, एक भी बार सिक्स नहीं आया, टोटल कितनी कंडीशन होगी, 36। एक भी बार सिक्स नहीं आया तो टोटल 11 बार तो सिक्स आ जा रहा है, टोटल 11 कंडीशन है जिसमें सिक्स आ रहा है। अब इस 11 के अलावा, 36 में से 11 के अलावा जितनी भी कंडीशन होगी उसमें सिक्स नहीं आएगा, तो 36 टोटल कंडीशन है, टोटल में से 11 कंडीशन में सिक्स आ रहा है, तो 36 में से 11 माइनस कर दीजिए, 36 में से 11 माइनस कर देंगे जो आ जाएगा उतनी बार सिक्स नहीं आया, तो कितना आ जाएगा, ये हमें लगता है जब 11 माइनस करें 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, और 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक भी बार सिक्स ना आए, 25 कंडीशन है कि एक भी बार सिक्स नहीं आए, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 36 है। ओके, एक बार सिक्स आए, एक बार सिक्स आए इसके लिए क्या है भाई, यहां भी यहां भी यहां भी ये एक एक बार सिक्स आया, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब में एक एक बार सिक्स आया है, मतलब टोटल कितने हैं 10 कंडीशन है और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 36 है। दो मतलब दोनों बार सिक्स सिक्स आए, यही एक कंडीशन है, मतलब 1/36। अगर आप लोग इसको सबको ऐड करोगे 36 आपको मिल जाएगा। ओके, यही हमारा प्रायिकता बंटन आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, अब चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 का में हमें दिया हुआ है प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने का मतलब है कि यक्ष और पी ये चीजें हमें निकालना है। प्रायिकता बंटन यक्ष और पी हमने लिख दिया, कॉलम बना दिया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला गया,
दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला गया है तो यस की कंडीशन क्या होती है, दो सिक्कों को उछाला गया या तो दोनों हेड हेड आ जाए या दोनों टेल टेल आ जाए या एक बार हेड एक बार टेल आ जाए या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, एक पर हेड एक बार टेल ये आ जाए, मतलब दो सिक्के हैं, एक दोनों पर हेड आ जाए दोनों पर टेल आए या एक पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, इस तरीके से चार कंडीशन है। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, आगे दिया हुआ है एक बार उछालने पर पटों की संख्या, पटों की संख्या यक्ष क्या है, यक्ष है पटों की संख्या मतलब टेल नंबर ऑफ टेल, पटों की संख्या, पटों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स, दो मासे को उछाला गया एक भर एक पर भी टेल नहीं आया मतलब जीरो, सिर्फ एक पर टेल आ गया मतलब यक्ष की वैल्यू वन, या दो बार उछाला दो सिक्के उछाले गए दोनों पर टेल आ गया, दोनों पर टेल आ गया मतलब यक्ष की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। ओके, यही कंडीशन हो सकती है, एक भी टेल नहीं आया, एक भी टेल नहीं आया इसकी क्या कंडीशन है, एक भी टेल नहीं आया मतलब ये वाली कंडीशन है, एक भी बार टेल नहीं आया तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, सिर्फ एक टेल आया, एक टेल आया तो मतलब यहां यहां ये दो कंडीशन है जिसमें एक टेल आया है मतलब टू बाई फोर, टू टू बाई फोर को वन बाई फोर भी लिख सकते हैं, टू मतलब दोनों बार टेल आ गए ये भी एक ही कंडीशन है वन बाई फोर, अगर इन सबको ऐड कर लोगे तो वन आ जाएगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर पटों की संख्या, एक सिक्के को तीन बार उछाला जा रहा है, तीन बार उछाला जा रहा है यक्ष और पी, वैसे ही लिखेंगे हम। ओके, यक्ष और पी, अब देखिए क्या क्या हो सकता है, एक्स कितनी बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के को तीन बार उछाला जा रहा है, तो तीन बार जब सिक्के को उछाला जाएगा तो हमारा सिंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, या तो हेड 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 आ जाए या हेड हेड टेल आ जाए या हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए या हेड टेल टेल आ जाए या टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड हेड हो जाए या टेल हेड टेल हो जाए या टेल टेल हेड हो जाए या टेल 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 हो जाए, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आठ कंडीशन है, आठ कंडीशन है, हमें क्या करना है पटों की संख्या, पटों की संख्या तीन 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 बार उछाला गया तो या तो एक भी बार हेड ना आए मतलब जीरो हो जाए, सिर्फ एक बार हेड आया, तीन उछाल में सिर्फ एक बार हेड आया तो रैंडम वेरिएबल वन, दो बार हेड आ गया तो रैंडम वेरिएबल टू हो गया, तीन बार हेड आ गया तीन के तीनों बार हेड आ जाती है, तीन यक्ष की वैल्यू जीरो वन टू थ्री ये पॉसिबल है। अब पी पी की वैल्यू निकालना है तो टोटल तो एट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन जीरो, जीरो का मतलब एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया सिर्फ ये कंडीशन है कि एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया मतलब सिर्फ वन बाई एट, एक बार हेड आया सिर्फ एक बार हेड आया तो एक बार हेड यहां पर है यहां पर है यहां पर, ये तीन कंडीशन है जिसमें एक बार हेड आया है मतलब थ्री बाई टू मतलब दो बार हेड आ जाए, दो बार हेड यहां है यहां है यहां दो बार हेड मतलब तीन जगह है जहां दो बार हेड आया, तीन मतलब तीन के तीनों हेड है, तीन के तीनों हेड एक जगह है तो ये क्या हो जाएगा वन बाई ए। अरे नंबर ऑफ पटों की संख्या हमें निकालना था तो पटों की संख्या हमने उल्टा थोड़ा सा कर दिया, समझना है आपको बाकी लिखा सही है बस थोड़ा समझना है, पटों की संख्या लेकर के हमें कैलकुलेशन करना है कि इसमें क्या है, एक भी बार पट नहीं आया, एक भी पार्ट पट नहीं आया तो तीन के तीनों हेड आ गए, एक भी बार पट नहीं आया मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है वन बाई एट, सिर्फ एक पट आया है, सिर्फ एक पट कहां कहां है, यहां है एक पट, ये इसमें इसमें और इसमें, इन तीन में सिर्फ एक पट आया है इसलिए थ्री बाई एट, दो पट आ गए, दो पट यहां है यहां है यहां दो पट इसलिए तीन जगह है थ्री बाई एट, तीन मतलब तीन के तीनों पट आ गए ये वाली कंडीशन, तीन के तीनों पट आ गए वन बाई एट ये, और ऐसे ही हमें लगता है ये वाला भी पार्ट लगा लोगे, इसमें चीटों की संख्या है, एक सिक्के को दो बार उछाला गया और चीटों की संख्या यही सेम टू सेम आ जाए जैसे पटों की संख्या, यहां लिख देना चीट चितों की संख्या, बाकी सब कुछ सेम रहेगा,
तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया, मतलब सबके सब वही है। इसमें पटों की संख्या है क्या है, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला गया, सेम टू सेम यही कंडीशन आ जाएगी। सारी आपके लोग लगा सकते हो, ओके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम लोग। यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो यस क्या क्या आ सकता है। सिंपल स्पेस, जब सफलताओं की प्रायिकता वितरण ज्ञात करना है, प्रायिकता वितरण ज्ञात करना है, और दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन दी हुई है चार से बड़ी संख्या जिसे सफलता माना गया है, और कम से कम एक पासे पर छह प्रकट होना। ये दो क्वेश्चन हैं, दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को लगाना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि दो पासों को एक साथ उछाला जाए, अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या हो सकता है। पहले पर वन, दूसरे पर भी वन वन आ जाए, या वन टू आ जाए, या वन थ्री आ जाए, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, पहले पर वन दूसरे पर सिक्स, या क्या आ सकता है टू वन आ जाए, टू टू हो जाए, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स हो जाए, या थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स हो जाए, या फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स आ जाए, या फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स हो जाए, या सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स आ जाए। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ओके। तो अब ये इतना है, टोटल कितनी कंडीशन हो गई, टोटल कंडीशन तो हो गई 36। दो बार यदि दो पांचों को एक साथ चला जाए, दो पांचों को चला जा रहा है, टोटल कंडीशन कितनी आ जाएगी, छह। अब चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने का फर्स्ट हम लोग लगा रहे हैं, चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या जिसे सफलता माना गया है, तो चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान समझना है। चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की, चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की, तो सबसे पहले ये देख लो चार से छोटी कौन कौन सी संख्या होगी। ये है, ये है, ये है, ये और ये, और ये भी तो चार से छोटी है, नहीं, अगर हम सम करेंगे तो चार से बड़ी आ जाएगी। यही इतनी संख्या, वन टू थ्री फोर फाइव, यही पांच संख्या है जो चार से छोटी नहीं, थ्री वन भी, थ्री वन फोर हो जाएगा। चार से बड़ी संख्या हमें चाहिए, चार से बड़ी संख्या यहां आ जाएगा, फाइव यहां आ जाएगा, तीन दो पांच, ये भी बड़ी संख्या। ये छह संख्याएं हैं जो चार से बड़ी हैं, उसके अलावा सबकी सब छोटी हैं। तो टोटल 36 है, 36 में से छह संख्या छोटी है, चार से छोटी है, तो टोटल 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 36, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ जाएगा, इसको छह से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट, कम से कम एक पासे पर छह प्रकट हो, कम से कम एक पासे पर छह प्रकट होना चाहिए, दोनों पर भी हो सकता है, कम से कम एक पासे पर छह प्रकट होना, छह प्रकट होने की, होने की प्रायिकता, प्रकट होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो सकती है, देखिए छह प्रकट होने, कम से कम एक पर छह, या दोनों पर भी छह हो सकता है। अगर देखिए तो यहां पर सब में छह आ रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं है, और यहां पर सिक्स आ रहा है, और कहीं पर सिक्स नहीं है, यही इतने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, टोटल अलेवन है, और डिवाइडेड बाई कितने हैं, 36, ये हमारा आंसर आ गया, ओके।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। एक पासे को दो बार उछालने का, यहां पर देखिए यदि दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, यहां क्या कह रहा है एक ही पासा है, एक पासे को दो बार उछाला जा रहा है, पहली बार उछाला गया कुछ आया होगा, फिर दूसरी बार उछाला गया इस तरीके से आया होगा। सफलताओं की प्रायिकता, सफलताओं की संख्या का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो आ सकता है एक बार उछाला गया क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। और पहली कंडीशन है चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। मतलब अगर चार से बड़ी संख्या है, चार से बड़ी संख्या क्या होगी, या तो 5 या तो 6, 5 और 6 आया मतलब चार से बड़ी संख्या आएगी तब हम सफल हो गए ये माना जाएगा, अदरवाइज असफल हो गए। तो हम यहां पर सफल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सफल होने की, सफल होने की प्रायिकता, सफल होने की प्रायिकता P बराबर, भाई दो ही कंडीशन में तो सफल होंगे, 2/ टोटल कंडीशन कितनी है 6, कितना आएगा 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3। और असफल होने की, असफल होने की प्रायिकता Q बराबर 1-P कर दो, या ये 4 है तो 4/6 कर दो, 4/6 क्या आ गया 2/3 आ गया। ओके, ये सफल होने की प्रायिकता हो गई, ये असफल होने की प्रायिकता हो गई। और कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है, मतलब 2 यन का मान कितना आ गया 2 आ गया। चार से बड़ी संख्या प्राप्त हो, यक्ष की वैल्यू क्या क्या होगी, यक्ष की वैल्यू क्या क्या होगी ये हमें समझना होगा। चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या एक भी बार आई ही नहीं, नंबर वन कंडीशन ये हो सकती है, मतलब यक्ष की वैल्यू 0, एक भी बार चार से बड़ी नहीं है, दोनों बार उछाला गया दोनों बार चार से छोटी आ गई। ओके, अगली कंडीशन हो सकती है सिर्फ एक बार बड़ी संख्या आई, सिर्फ एक बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लीजिए 5 आ गई, एक बड़ी संख्या आ गई, या कि दोनों बार उछल गए दोनों बार बड़ी संख्या आ गई, दोनों बार बड़ी संख्या आ गई मतलब x की वैल्यू 0 भी 1 भी 2 भी दोनों हो सकता है। ओके, अब हम लोग यहां पर जहां असफल असफल की कंडीशन आ जाती है वहां पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। कौन से थ्योरम लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालना होता है तो हम लिखते हैं एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये हमारा फार्मूला। अब यही फार्मूला लगा करके हम लोग प्रायिकता बंटन निकालेंगे। प्रायिकता बंटन निकालने के लिए हम लोग सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तब फिर निकालते हैं कि चलो हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी पी यक्स इक्वल टू आर, ये है वैसे पी यक्स इक्वल टू आर के लिए। अब पी यक्स इक्वल टू क्या है, यक्स इक्वल टू 0 के लिए, यक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू तो 2 है, 2C0, R की वैल्यू 0, R की वैल्यू क्या है 0, इंटू पी, पी के स्थान पर 1/3 की पावर R मतलब 0, इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 2/3 इंटू 2-0 मतलब 2C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसकी पावर 0 है तो 1, यहां पावर 2 हो जाएगा 4/9, क्या आ जाएगा हमारा 4/9 आ जाएगा। ओके, पी यक्स इक्वल टू 1 के लिए जब हम करेंगे, यक्स इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा 2C1, 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 2-1 मतलब 1, 2C1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां हो जाएगा 1/3, यहां हो जाएगा 2/3, तो 2×2=4/9 आ जाएगा। और ऐसे पी यक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, यक्स इक्वल टू 2, यक्स इक्वल टू 2 तो 2C2 और 1/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 2-2, 2-2 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये पावर में क्या आएगा 2-2, एन भी 2 आर भी 2, अब ये आ जाएगा इधर तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1, पावर 0, पावर 0 की वैल्यू 1, 1/9 आ जाएगा। अब अगर हम प्रायिकता बंटन लिखें ये हो जाएगा ऊपर यक्स और नीचे पी यक्स, ऊपर यक्स और नीचे पी यक्स, ऐसे ही लिखा जाता है,
अब यहां पर यक्ष की वैल्यू जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, यही इतनी है। और पी यक्ष की वैल्यू जब जीरो है तो ये क्या है, 4/9। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4/9। टू इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/9। अगर इन सबको ऐड करिए तो 1 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये सही है। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं सेकंड पार्ट लगाने के लिए। जल्दी से अगर नहीं नोट किए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करके मैं मिटा रहा हूं। ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है पांचे पर संख्या 6 प्रकट होना। पांचे पर संख्या 6 आए तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी p बराबर होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में 6 आ सकता है 1/6। तो q इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1/6, मतलब 5/6 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा सफलता माना जाता है, जब 6 आता तो सफलता माना, सफल होने की प्रोबेबिलिटी ये, असफल होने की प्रोबेबिलिटी ये, यानी कि वैल्यू तो 2 है। ठीक है, यक्ष की वैल्यू क्या क्या होगी, यक्ष की वैल्यू ये है कि हम सफल नहीं हुए, मतलब जो संख्या आई वो 6 नहीं है, उसके अलावा और कुछ आ गया, मतलब 0 यक्ष की वैल्यू 0, मतलब एक भी बार 6 नहीं आई, या फिर एक बार 6 आ गया, या फिर दो बार 6 आ गया, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ओके, अब हम लोग यही लगाते हैं, पी यक्स इक्वल टू 0, पी यक्स इक्वल टू 0, यही वाला फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 2c0 इंटू 1/6 की पावर 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 5/6 की पावर 2। ओके, ये आ जाएगा 2c0 की वैल्यू 1 × 1 × 25/36 आ जाएगा, 25/36। और p x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 के लिए 2c1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 1 ये आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 5/36, ये हो जाएगा 10/36। p x इक्वल टू 2, p x इक्वल टू 2, तो 2c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0, तो ये आ जाएगा 1 × 1/36 × 1 पावर 0, तो 1 आ जाएगा, मतलब 1/36 ये आ जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो ये p आ जाएगा और ये px हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यक्ष की वैल्यू क्या होगी, यक्ष की वैल्यू 0, 1 और 2 यही आएगी। पीएक्स की वैल्यू 25/36, यहां आ जाएगा 10/36, यहां आ जाएगा 1/36, ये आ जाएगा। क्लियर, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंदे हैं। एक थैला है जिसमें 5 व्हाइट और 3 ब्लैक गेंदे हैं। थैले में से 3 गेंदे यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इसमें से 3 गेंदे निकाली जा रही, काली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, काली गेंदे, तो काली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ब्लैक 3 है और 5 × 3 = 8, ये हो जाएगा। और अगर मान लीजिए काली गेंद नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, काली गेंद नहीं निकली, इसका मतलब क्या है, व्हाइट गेंद निकली, और व्हाइट गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। ओके, क्या होगी, 5/8, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी पी और क्यू। ओके, 3 गेंद निकाली जा रही, मतलब एन की वैल्यू है 3, और यक्ष की वैल्यू क्या है कि एक भी बार, 3 गेंद निकाली गई है, एक भी बार क्या आई, ब्लैक गेंद नहीं आई, मतलब 0 हो सकती है, या सिर्फ एक बार ब्लैक गेंद आई, या दो बार ब्लैक गेंद आई, या 3 के 3 बार ब्लैक गेंद आ गई। तो मैं इसको शॉर्ट कट में कर रहा हूं, आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट करिएगा, हम लोग डायरेक्ट मैं प्रायिकता बंटन लिख ले रहा हूं। ओके, यक्ष और पी ये दोनों मैं लिख दे रहा हूं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करके मैं लिख रहा हूं। ओके, यक्ष की वैल्यू या तो 0, या तो 1, या तो 2, और या फिर 3, यही इतना हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं।
अब अगर मान लीजिए जीरो है, x इक्वल टू जीरो मतलब एक भी, मतलब क्या आया, एक भी ब्लैक गेन नहीं आई, तब क्या हो सकता है, n c जीरो मतलब n की वैल्यू 3 c 0, p की वैल्यू क्या है 3/8 की पावर 0 और 5/8 की पावर 3, 3 माइनस 0 होगा तो पावर क्या आ जाएगा 3। ओके चलिए, अगर वन एक ब्लैक गेंद आई तब क्या हो जाएगा 3c0 3/8 की पावर 1 5/8 की पावर 3-1 मतलब 2। ओके अगर दो गेंदें आ गई तो क्या हो जाएगा 3 यहां 1 आ जाएगा 3c2 3/8 की पावर 2 5/8 की पावर 1 भाई 3-2 1 आ जाएगा। और अगर तीन के तीनों आ गए तो क्या हो जाएगा 3c3 3/8 की पावर 3 इंटू 5/8 की पावर 0 जिसका मान हो जाएगा 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 3c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 3c1 की वैल्यू 3, 3c2 की वैल्यू भी 3 और 3c3 की वैल्यू भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ओके और NCR का वैसे भी आप लोग फार्मूला जानते हो, NCR का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है हमारा। आप लोग इसको रखिए और सबको सॉल्व कर लीजिए, सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू लिख दीजिए, मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है और हमें ये चीजें दिया हुआ है, ये चीजें गिवन है, प्रायिकता बंटन दिया हुआ है, हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात नहीं करना, प्रायिकता बंटन दिया हुआ है याद हमें क्या करना है, उससे पहले k का मान निकालना। हम लोग जानते हैं प्रायिकता बंटन दिया रहता है तो p को अगर हम सबको ऐड करें 0+k+2k+3k+2k² + k² + 7k² + k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, सबका सम क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहां पर देख लीजिए 2k 3k 5k, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9k, क्या आ जाएगा 9k और k स्क्वायर कितने हैं 2k² + 1k² 3k² और 10k² आ जाएगा, 10k² + 9 और 1 आगे है 1 को इधर कर दीजिए -1 = 0, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया और इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 10k² + 10k - 1k - 1 = 0, इस तरीके से लिख सकते हैं 10k - 1k 9k आ जाएगा। अब इसमें से हम 10k कॉमन ले सकते हैं, 10k कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k+1, -1 कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा k+1 = 0, यहां से आएगा k+1 और क्या आएगा 10k - 1 = 0, k = -1 और k = 1/10, तो k = -1 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर k की वैल्यू -1 रख देंगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी जो कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब k की वैल्यू हमारा ये है और यही आंसर है k की वैल्यू 1/10। उसके बाद में हमें ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है p x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब क्या है x की वैल्यू 4 से कम, मतलब 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी, यहां तक मतलब इसको सबको हमें देखना है 0+k+2k+3k, बस ये इतना, कितना k है 3 2 5 और 1 6k, मतलब 6 और k की वैल्यू 1/10, मतलब ये 2 से डिवाइड 2 3 जा और 2 5 जा 10, 3/5 ये आ जाएगा। और अगर हम थर्ड पार्ट भी देखें, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है p x is less than 5, x is less than 5, less than 5 का मतलब क्या है,
लेस देन 4 वाला तो होगा ही होगा, लेस देन 4 वाला कितना है 3/5 प्लस लेस देन 5 पे क्या आ जाएगा 4 वाला आ जाएगा, 5 से कम, 5 से कम में 5 नहीं आएगा, 5 से कम वाला आएगा, मतलब यहां तक तो हमने ऐड करने के बाद ये आएगा 2k और ऐड कर दो 2k, तो ये 2/5 प्लस 2, k की वैल्यू 1/10, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 3/5, 2 5 जा 10 मतलब 2 और +1 3 ये आ जाएगा। ओके अब ये 3, ये 4 नंबर, 4 नंबर है px इज लेस देन 6, 6 से कम मतलब 5 तक ये पूरा आ जाएगा, तो यहां तक तो हम पहले ही कर चुके हैं, कितना आ गया 3/5 प्लस आगे हमें 2k स्क्वायर कर देना है बस, तो ये 3/5 प्लस 2k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, ये आ जाएगा 1/50, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 50, 2 से काट दीजिए ये हो गया 50, एलसीएम आ गया 50 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 30+1, तो ये आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 50 ये आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से लगाइए। ओके और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन आप दबाएंगे तभी जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।